तो जिसके लिए यहाँ पर हमने 1 किलो चिकन लिया है, तो अच्छी तरह से इसको हमने धोकर बिल्कुल साफ़ कर लिया है। इसको हम मैरिनेट करेंगे, तो सबसे पहले इस पर हम डालेंगे नमक 1 चम्मच के करीब। इसके बाद हम डाल देंगे यहाँ पर लाल मिर्च का पाउडर आधी छोटी चम्मच। इसके बाद इसे हम डाल देंगे यहाँ पर आधी छोटी चम्मच जीरा पाउडर, भुने हुए ये जीरे का पाउडर, आधी छोटी चम्मच काली मिर्च का पाउडर यानी ब्लैक पेपर पाउडर। इसके बाद इसे हम डाल देंगे अब यहाँ पर 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट यानी कि जिंजर गार्लिक पेस्ट, इसमें 1 चम्मच ऐड करेंगे। और इसी के साथ अब इसमें ऐड करेंगे हम लोग कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर 1 चम्मच। इससे जो हमारा चिकन में कलर बहुत अच्छा आएगा, हम वैसे फूड कलर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, कश्मीरी लाल मिर्च का ही इस्तेमाल करेंगे। तो ये भर के 1 चम्मच के करीब हमने इसमें डाल दिए हैं कश्मीरी लाल मिर्च। और इसके बाद इसे हम डाल देंगे यहाँ पर आमचूर पाउडर आधी छोटी चम्मच के करीब। और इसके साथ इसे हम डाल देंगे यहाँ पर वाइट विनेगर यानी सफ़ेद सिरका 2 चम्मच के करीब इसमें डालेंगे सफ़ेद सिरका, और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर मसाले सारे अच्छे चिकन में मिक्स हो चुके हैं। अब इसको हम 1 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए रख देंगे। तो हमें यहाँ पर 1 घंटा हो चुका है और चिकन हमारा अच्छी तरह से मैरिनेट हो चुका है। अब इसमें हम डाल देंगे यहाँ पर 2 चम्मच अरारोट यानी कि कॉर्नफ्लावर 2 चम्मच इसमें ऐड करेंगे। इसके बाद इसमें हम डाल देंगे यहाँ पर 3 चम्मच मैदा यानी कि रिफाइंड फ्लावर, ये इसमें ऐड करेंगे। और इसके बाद इसमें डाल देंगे यहाँ पर 1 अंडा जिससे कि हमारा चिकन है अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए जब इसको हम फ्राई करेंगे। और इन सब चीज़ों को आपस में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा चिकन अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है, इसको हम अब यहाँ पर डीप फ्राई करेंगे। तो याद रखें कि यहाँ पर जब हम डीप फ्राई करेंगे तभी हमें इसमें मैदा और कॉर्नफ्लावर मिलाना है, तभी इसको मिलाना है। तो यहाँ पर तेल गर्म हो चुका है, चिकन को हम इसमें ऐड करेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक टेक्निक है चिकन को यहाँ पर क्रंची बनाने की, चिकन फ्राई को, कि हमें जो है चिकन को 2 बार डीप फ्राई करना होता है। इसको पहले हम 3 से 4 मिनट फ्राई करेंगे, उसके बाद इसको हम ठंडा करने के लिए होने के लिए रख देंगे हम तकरीबन आधा घंटा। उसके बाद इसको हम दोबारा डीप फ्राई करेंगे, तो उससे जो है चिकन काफ़ी क्रंची हो जाता है। तो हमें यहाँ पर 5 मिनट हो चुके हैं चिकन को फ्राई करते हुए। अब इसको यहाँ पर हम निकाल लेंगे, एक प्लेट में इसको निकाल लेंगे। तो हमने यहाँ पर चिकन को एक प्लेट में निकाल लिया है, अब इसको ठंडा होने देंगे आधे घंटे के लिए, उसके बाद इसको हम दोबारा डीप फ्राई करेंगे तेज़ तेल में। तो हमें यहाँ पर आधा घंटा हो चुका है और हमारा जो चिकन है काफ़ी अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है, अब इसको दोबारा तेज़ तेल में डीप फ्राई करेंगे। तो हमें यहाँ पर 8 से 10 मिनट हो चुके हैं और हमारा चिकन फ्राई है एकदम बढ़िया तरीके से क्रिस्पी हो चुका है, ये देखिए कितना ज़बरदस्त हो चुका है बिल्कुल तैयार। अब इसको हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमारा चिकन फ्राई बिल्कुल बनकर तैयार है, इसी तरह से हम बाकी बचे हुए सारे चिकन को डीप फ्राई कर लेंगे। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी है। तो तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा लेता हूँ और जल्द ही लौटूंगा एक और नए वीडियो के साथ। जब तक खुश रहिए, मज़े में रहिए, सुरक्षित रहिए। अल्लाह हाफिज़।